हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम फ्यूल। इन दिस क्लास आई विल टीच यू अबाउट द फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया। ठीक है, वी विल स्टडी अबाउट द फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया। तो फॉरेस्ट कवर की हम लोग बात कर लेते हैं इस वीडियो में। इससे पहले मैंने आपको बताया था अबाउट द नेचुरल वेजिटेशन फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। आपको पता है फॉरेस्ट जो देखा जाए तो फॉरेस्ट कौन सा सब्जेक्ट है? फॉरेस्ट सब्जेक्ट है कॉन्करेंट लिस्ट का, जिसको कि 1976 में सेंट्रल लिस्ट से हटाकर कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट का मतलब है कि इसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों के दोनों इसमें कानून बना सकते हैं इस फॉरेस्ट वाले एरिया पे। तो फॉरेस्ट कवर की हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग को जैसे पता है कि अकॉर्डिंग टू द 1952 फॉरेस्ट पॉलिसी, 1952 में जो फॉरेस्ट पॉलिसी आई उसके अकॉर्डिंग जो किसी भी कंट्री का जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसके टोटल जो 1/3 पार्ट है या 33% पार्ट पे क्या होना चाहिए? फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। द 33% पार्ट ऑफ एनी कंट्री और जो ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ एनी कंट्री शुड बी कवर्ड बाय द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए 33% पार्ट। ठीक है, उसके बाद बात करें तो इस फॉरेस्ट पॉलिसी को अमेंडमेंट किया गया था 1988 में फॉरेस्ट पॉलिसी अमेंड हुई थी। ठीक है, तो फॉरेस्ट पॉलिसी में बोला गया कि 33% पे क्या होना चाहिए? फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। अब जो फॉरेस्ट कवर होता है, फॉरेस्ट कवर में दो पार्ट यहाँ पर इंक्लूड होते हैं इन द फॉरेस्ट कवर एरिया। फॉरेस्ट कवर एरिया सबसे पहला जो इसमें पार्ट होता है फॉरेस्ट कवर में, ये होता है टोटल फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, और जो सेकेंड पार्ट होता है इसमें, ये होता है एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया एंड टोटल फॉरेस्ट एरिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया? टोटल फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो पूरा का पूरा टोटल फॉरेस्ट एरिया में क्या होता है? एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया होता है प्लस में क्या होता है? ठीक है, एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया होगा, उसके अलावा क्या होगा? ट्रीज के लिए जो फॉरेस्ट स्पेस होगा, ठीक है, वो इसमें होगा। ट्रीज वाला जो स्पेस होगा, ट्री कवर, वो भी इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए जो टोटल फॉरेस्ट एरिया होता है ये ज़्यादा होता है, जबकि एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया होता है क्या होता है? कम होता है। अब जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है, टोटल फॉरेस्ट एरिया जो डिक्लेयर किया जाता है, वो डिक्लेयर किया जाता है स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा। स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तो सभी कंट्री के सभी स्टेट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो क्या करेंगे, तो फॉरेस्ट के अपने अपने स्टेट की फॉरेस्ट रिपोर्ट भेजेंगे, जिसके अकॉर्डिंग कंट्री में कितना फॉरेस्ट एरिया है वो डिसाइड होगा। खराब हो गया। ठीक, तो टोटल फॉरेस्ट एरिया वो डिसाइड होगा। आफ्टर दैट एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया, एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया क्या होता है? एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया ये सैटेलाइट से जो इमेज खींची जाती है, ठीक है, सैटेलाइट से जो इमेज खींची जाती है, जो कि बेस होती है ऑन द बेसिस ऑफ कैनोपी कवर, कैनोपी कवर पे जो बेस होती है ये इमेज, रिमोट सेंसिंग के अकॉर्डिंग, जो रिमोट सेंसिंग होती है उस पे बेस करके जो फॉरेस्ट एरिया होती है कैनोपी कवर का, उस पे जैसे कि रिमोट सेंसिंग के लिए आपको पता है कौन से सैटेलाइट भेजे जाते हैं। ठीक है, रिमोट सेंसिंग के लिए जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं उनका रिसोर्स सेट, ये होते हैं सैटेलाइट रिसोर्स सेट दैट टेल अबाउट द फॉरेस्ट कवर ऑफ द कैनोपी कवर ऑफ द ऑफ एनी कंट्री। कैनोपी कवर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज अ कैनोपी? हम लोग यहाँ कैनोपी देख लेते हैं कि कैनोपी क्या होता है। कैनोपी किसी भी जो पेड़ है, पेड़ का जो ऊपर वाला जो पार्ट है इसको कैनोपी बोला जाता है। ठीक है, पेड़ का जो ऊपर वाला पार्ट है, सबसे ऊपर वाला जो कि ऊपर से दिखाई देता है सैटेलाइट से या किसी कैमरे से, उसको कैनोपी कहा जाता है। तो टोटल जो ऊपर से जो सैटेलाइट होती है, सैटेलाइट ऊपर से देखती है कि कितने परसेंट पार्ट पे कैनोपी कवर है, कैनोपी कितने परसेंट पार्ट पे कवर है। अब ये 1 किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया होता है कैनोपी कवर का, तब तो उसको फॉरेस्ट में इंक्लूड किया जाता है। अगर ये 1 स्क्वायर किलोमीटर से कम का होता है तब उसको फॉरेस्ट में इंक्लूड नहीं किया जाता। तो इस तरह से ये क्या होता है, टोटल फॉरेस्ट एरिया जो एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया होता है ये निकाला जाता है। तो एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया डिपेंड किस पे करता है? एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया डिपेंड करता है सैटेलाइट इमेज पे, कैनोपी कवर पे,
रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट इसमें काम करती है इंडिया में कौन सी है, रिसोर्स सेट, विच टेल अबाउट द रिसोर्सेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस तरह से दोनों के दोनों जो फॉरेस्ट कवर होते हैं ये इस तरह से डिफर करते हैं। ठीक है, टोटल फॉरेस्ट एरिया में एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया, ऊपर से जो इमेज लेंगे कैनोपी की वो भी इंक्लूड होगा, इसके अलावा कोई पार्क लैंड है या बड़ा सारा लैंड है जिसमें कुछ ट्रीज हैं तो इसको स्टेट डिपार्टमेंट क्या कर देगा कि ये भी क्या है, फॉरेस्ट है। जबकि ऊपर से जब सैटेलाइट से देखा जाएगा तो पूरा का पूरा घना फॉरेस्ट की तरह नहीं देखेगा। तो इसलिए जो एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया होता है, ठीक है, एक्चुअल जो टोटल फॉरेस्ट एरिया होता है ये क्या होता है, ज़्यादा होता है, जबकि जो एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया होता है ये क्या होता है, कम होता है। ठीक है, उसके तो आपको फॉरेस्ट एरिया या फॉरेस्ट कवर एरिया के बारे में पता लग गया। अब हम लोग बात करेंगे फॉरेस्ट कवर एरिया के बाद, जो फॉरेस्ट कवर एरिया के हम लोग बात करेंगे इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट की। फॉरेस्ट रिपोर्ट कौन देता है इंडिया में, ठीक है, हर 2 साल में फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है इंडिया में, ISFR, ठीक है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे अब फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में। हर 2 साल में ये रिपोर्ट आती है, 2019 में ये रिपोर्ट आई। ठीक है, इट वॉज द 16th फॉरेस्ट रिपोर्ट, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट रिपोर्ट होती है पब्लिक की जाती है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है सबमिट करता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एंड इट इज रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट वो क्या करते हैं, इसको रिलीज करती है। उस टाइम पे जब ये रिपोर्ट रिलीज हुई मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की, उस टाइम पे जो एनवायरनमेंटल मिनिस्टर थे वो थे प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने ये रिपोर्ट सबमिट की। ठीक है, इट वॉज द 16th रिपोर्ट। ठीक है, जो सबसे पहले रिपोर्ट आई थी फॉरेस्ट रिपोर्ट वो आई थी 1987 में, इट वॉज द फर्स्ट स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, आफ्टर दैट जो 16th फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है वो है 2019 में। अब जो 16th फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, इसके अकॉर्डिंग जो टोटल फॉरेस्ट एरिया इंडिया में है, टोटल फॉरेस्ट एरिया या टोटल फॉरेस्ट कवर भी इसको कह सकते हैं, टोटल फॉरेस्ट कवर है वो 24.56% है। कितना है, 24.56%। ठीक है, पिछली बार ये लगभग 24% था, इस बार 1% के आसपास इसमें क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है या इंक्रीज हुई है फॉरेस्ट कवर इंडिया में। अब ये फॉरेस्ट कवर इसमें आपको पता लग गया है क्या होता है, फॉरेस्ट कवर का मतलब है यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअल फॉरेस्ट, यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअल फॉरेस्ट कवर होगा प्लस में क्या होगा, ट्री कवर भी होंगे, ट्री कवर एरिया भी होगा। अब ये ट्री कवर एरिया के बारे में मैंने बता दिया। ट्री कवर का मतलब क्या होता है, अगर कोई लैंड है, ठीक है, अगर कोई लैंड है वहाँ पे ट्रीज हैं और स्टेट ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट है स्टेट का, वो इसको क्या कह देते हैं, इसको क्या कहता है, इसको कहता है कि ये फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, जबकि ऊपर से सैटेलाइट से देखेंगे तो ये क्या, पूरी की पूरी कैनोपी से फॉरेस्ट जैसा नहीं दिखाई देगा, बट जो स्टेट है स्टेट है उसने इसको क्या घोषित किया हुआ है, इसको फॉरेस्ट घोषित किया हुआ है। ठीक है, जबकि जो एक्चुअल फॉरेस्ट होता है, एक्चुअल फॉरेस्ट का मतलब आपको पता है, एक्चुअल फॉरेस्ट का मतलब है जो सैटेलाइट ऊपर से क्या देखती है, सैटेलाइट ऊपर से देखता है कि कैनोपी कवर है कि नहीं है। ठीक है, कैनोपी कवर है कि नहीं है, तो ये अगर कैनोपी कवर देखता है तो ये क्या होता है, ये एक्चुअल फॉरेस्ट होता है। तो इनमें दोनों इंक्लूड है, 24.56% में इंडिया में क्या है, टोटल फॉरेस्ट कवर है, ये फिगर आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद बात करें कि कितना इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर में। फॉरेस्ट कवर में जो इंक्रीमेंट हुआ है पिछले 2 साल के मुकाबले वो हुआ है 5200 स्क्वायर किलोमीटर। तो इंक्रीमेंट कितना हुआ है या इंक्रीज कितना हुआ है फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, तो इंक्रीज जो हुआ है वो हुआ है 5200 स्क्वायर किलोमीटर का क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है फॉरेस्ट एरिया में। ठीक है, फॉरेस्ट कवर एरिया में। अब इसमें भी देखें तो 4000 स्क्वायर किलोमीटर में क्या हुआ है, ये एक्चुअल जो एक्चुअल फॉरेस्ट है वो बड़े हैं, एक्चुअल फॉरेस्ट जो बड़ा है वो कितना बड़ा है, 4000 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है। जबकि जो 1200 स्क्वायर किलोमीटर में क्या हुआ है, 1200 स्क्वायर किलोमीटर में ट्री कवर इंक्रीज हुआ है। ट्री कवर मतलब किसी स्टेट ने ट्री कवर एरिया बढ़ा दिया है। ठीक है, तो इस तरह से टोटल इंक्रीमेंट हुआ है पिछले रिपोर्ट के मुकाबले। पिछले साल मैंने बताया जो रिपोर्ट में कितना था, 23 पॉइंट समथिंग परसेंट था, इस बार लगभग 1% के आसपास बढ़ा है।
ठीक है, 1200 स्क्वायर किलोमीटर ट्री कवर बढ़ा है, जबकि 4000 स्क्वायर किलोमीटर एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया में क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। अब जो सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट एरिया में इंक्रीज हुआ है वो कौन से स्टेट में हुआ है वो देख लेते हैं। सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट एरिया में कर्नाटका, कर्नाटका में, उसके बाद हुआ है केरला में, केरला में उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ है, और तीसरे नंबर पे जो इंक्रीमेंट हुआ है वो आंध्र प्रदेश में इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट कवर में, फॉरेस्ट एरिया में इंक्रीमेंट हुआ है वो कर्नाटका में हुआ है, सेकेंड नंबर पर केरला में हुआ है, और थर्ड नंबर में आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। उसके बाद परसेंट सबसे ज़्यादा आपको बताया, सबसे इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया कौन से स्टेट में है, या सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया अकॉर्डिंग टू द एरिया, स्क्वायर किलोमीटर एरिया उसके अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कौन से स्टेट में है, तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है वो मध्य प्रदेश में, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया, लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया, लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इंडिया में देखें तो एमपी में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में सेकंड नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश, और जो थर्ड नंबर पे आता है वो कौन सा स्टेट आता है, छत्तीसगढ़। ये तीन स्टेट हैं जहाँ पे फॉरेस्ट कवर इंडिया में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा एरिया फॉरेस्ट एरिया एमपी में, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश में, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ में। आपको पता है मध्य प्रदेश में एमपी में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइब्स भी कहाँ पे पाए जाते हैं, एमपी में पाए जाते हैं। एसटी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, एसटी पॉपुलेशन जो सबसे ज़्यादा है वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ये आपको पता है, जो ट्राइब्स या एसटी पॉपुलेशन ज़्यादातर कहाँ पे रहते हैं, ये फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, और एमपी में आपको पता है फॉरेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा है। सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट रिच स्टेट है इंडिया का, और तीसरे नंबर पे जो फॉरेस्ट रिच स्टेट है वो है छत्तीसगढ़, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एरिया। अब देखें अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट, कि कितने परसेंटेज एरिया पे फॉरेस्ट है किसी स्टेट में। मान लो किसी स्टेट का जो एरिया है वो कितना है, 1000 स्क्वायर किलोमीटर है, तो उसके कितने परसेंट पार्ट पे क्या है फॉरेस्ट हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा देखें तो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं ये आते हैं सबसे ऊपर नंबर पे। सबसे पहले मिजोरम, अकॉर्डिंग टू परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो सबसे पहले जो स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा परसेंटेज पे ट्रीज हैं या फॉरेस्ट हैं तो वो है मिजोरम, और सेकेंड नंबर पे हम लोग देखें तो कौन सा स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश। सेकेंड नंबर पे जो स्टेट है वो है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और जो थर्ड नंबर पे स्टेट है जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज के अकॉर्डिंग है वो है मेघालय, ठीक है, मेघालय। दीज आर द थ्री स्टेट टॉप स्टेट अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट। मिजोरम कंटेन 85% ऑफ फॉरेस्ट, 84 के आसपास अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय 83% है इसमें। ये टोटल फिगर इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है इसमें मिजोरम फर्स्ट पे, सेकेंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, एंड थर्ड पे मेघालय है, ठीक है। इस तरह से ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट में बता दिया मैंने, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट मैंने बताया 2019 में आई, इट वाज द 16th फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ इंडिया, फर्स्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन 1987, ठीक है। फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ इंडिया सर्वे किसके द्वारा दी जाती है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा क्या की जाती है, पब्लिश की जाती है, दी जाती है। अब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट इसको रिलीज करता है या इसको रिलीज करता है, पब्लिश करने का काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में मिनिस्टर कौन थे उस टाइम पे जब ये रिपोर्ट 16th रिपोर्ट पब्लिश हुई, प्रकाश जावड़ेकर जी मिनिस्टर थे उस टाइम पे, एनवायरनमेंट मिनिस्टर। तो इसके अकॉर्डिंग देखें 2019 रिपोर्ट के अगर जो अकॉर्डिंग जो फॉरेस्ट कवर है इंडिया में वो है 24.56%, ठीक है। ये आपको पता है टोटल फॉरेस्ट कवर का मतलब है एक्चुअल फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर। ट्री कवर का मतलब मैंने आपको बता दिया, जो स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट है जो ट्रीज को देख के, जो लैंड खाली है उसको देख के बताते हैं और उसको कह देते हैं कि ये ट्री कवर एरिया है या फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है। अब एक्चुअल फॉरेस्ट होता है, एक्चुअल फॉरेस्ट ऊपर से सैटेलाइट से देखा जाता है, सैटेलाइट से ऊपर की कैनोपी या पेड़ का ऊपर वाला पार्ट देखा जाता है, अगर एक स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है तो उसको टोटल फॉरेस्ट कह दिया जाता है,
ठीक है। अब देखें तो इंडिया में फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज कितना हुआ है फॉरेस्ट एरिया, तो 5200 स्क्वायर किलोमीटर में इंक्रीज हुआ है, जिसमें 4000 स्क्वायर किलोमीटर एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया सेटेलाइट वाला इंक्रीमेंट है, 1200 स्क्वायर किलोमीटर ट्री कवर एरिया में इंक्रीमेंट हुआ है। आफ्टर दैट देखें कि सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज हुआ है वो किसमें हुआ है, कर्नाटका में, फिर दूसरे नंबर पर केरला में, फिर आंध्र प्रदेश में, और लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया किसी स्टेट का है, एमपी में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में, अकॉर्डिंग टू द एरिया वाइज। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज, ये मिजोरम फर्स्ट नंबर पे है अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज में, सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, और थर्ड नंबर पे कौन सा है, मेघालय है। ठीक है, तो दीज आर ऑल अबाउट द स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ इंडिया। नाउ आई विल टीच यू अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन बहुत जरूरी है, आपको पता है फॉरेस्ट से हमारे लिए काफी यूजफुल रिसोर्स है, क्योंकि फॉरेस्ट क्या है, नेचुरल रिसोर्स हमारे लिए काफ़ी यूजफुल है, ये हमें बहुत सारी चीज़ों में, इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी फॉरेस्ट काम आते हैं, इसके अलावा इन्वायरमेंटल या इकोलॉजी को बैलेंस करने में फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट योगदान देते हैं, तो इसलिए फॉरेस्ट को कंजर्व करना क्या है, ज़रूरी है। और आपको मैंने बताया जो फॉरेस्ट आते हैं वो कौन सी लिस्ट में आते हैं, सब्जेक्ट में आते हैं, कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों के दोनों क्या बना सकते हैं, लॉज बना सकते हैं, पर सेंट्रल क्या करता है, ज़्यादातर सेंट्रल इसमें लॉ बनाता है। ठीक है, इस तो हम लोग देख लेते हैं इसमें, ठीक, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में देखें तो फॉरेस्ट को जो कंजर्व करने का जो टोटल जो गवर्नमेंट की जो सबसे पहले जो पॉलिसी आई है फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, तो वो आई है फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952। अब इस पॉलिसी में अमेंडमेंट जो किया गया है वो किया गया है 1988 में। 1988 में इसमें क्या हुआ, अमेंडमेंट हुआ है, और इसकी जो इम्पोर्टेंट बात है इन दोनों की वो ये है कि टोटल जो 33% है किसी भी कंट्री का वो फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता है जो फॉरेस्ट पॉलिसी है या फॉरेस्ट एक्ट है, वाइल्ड लाइफ जो एक्ट है इंडिया का 1972, इसके अलावा एक एक्ट हो रहा है वाइल्ड लाइफ 72 एक्ट, ठीक है, उसमें भी कुछ बातें बोली गई हैं। ठीक है, कि फॉरेस्ट को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, बिकॉज फॉरेस्ट इज अ होम ऑफ द या हाउस हैबिटेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ। नाउ वी विल टॉक अबाउट द वेरियस इनिशिएशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहला इनिशिएशन होता है वो है सोशल फॉरेस्ट्री की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो सोशल फॉरेस्ट्री क्या होता है, सोशल फॉरेस्ट्री की बात करें तो जो सोसाइटी के द्वारा, ठीक है, गवर्नमेंट और सोसाइटी के द्वारा सोशल जो सोसाइटी एरिया हैं या जो गाँव हैं या शहर हैं उनमें जो फॉरेस्ट एरिया को इंक्रीज करना है उसको बोला जाता है सोशल फॉरेस्ट्री। अब सोशल फॉरेस्ट्री की बात करें तो इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर 1976 में जो इस्टेब्लिश हुआ था, इसने जो सोशल फॉरेस्ट्री को तीन पार्ट में डिवाइड किया है, सबसे पहले है रूरल फॉरेस्ट्री, दूसरे नंबर पे है अर्बन फॉरेस्ट्री, और थर्ड नंबर पे है फार्म फॉरेस्ट्री। तो बात करें सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रूरल फॉरेस्ट्री, तो रूरल फॉरेस्ट्री की बात करें तो रूरल एरिया में जो फॉरेस्ट्री की जाती है, जो सोशल या सोसाइटी के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा मिलके जो फॉरेस्ट्री की जाएगी या एफॉरेस्टेशन किया जाएगा उसको बोला जाएगा रूरल फॉरेस्ट्री। अब रूरल फॉरेस्ट्री को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है, रूरल फॉरेस्ट्री को डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, एक होता है कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, ठीक, और दूसरा होता है एग्रो फॉरेस्ट्री। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री का मतलब होता है जो गांव में जो कम्युनिटी एरिया है, जो पास्चर लैंड है या बैरन लैंड है उसमें कम्युनिटी जो एरिया है वहां पे जो फॉरेस्ट्री की जाती है, ये सोसाइटी की हेल्प से और गवर्नमेंट की हेल्प से, दोनों की हेल्प से की जाएगी।
तो वहाँ पे जो फॉरेस्ट्री की जाएगी उसको जो फॉरेस्टेशन या एफॉरेस्टेशन किया जाएगा, बैरन लैंड को रिमूव किया जाएगा, बैरन लैंड को क्या एग्रीकल्चर के वहाँ पे पेड़ लगाए जाएंगे, ठीक है, जंगल या पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, तो उसको बोला जाएगा कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। और एग्रो फॉरेस्ट्री, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब होता है कि कोई भी जो किसान है, कोई भी किसान है वो अपने खेतों में फसल के साथ साथ क्या कुछ पेड़ पौधे भी लगाता है, ठीक है। मान लो ये एग्रीकल्चर लैंड है किसी फार्मर की, तो वो क्या करता है बीच बीच में पेड़ पौधे भी लगा रहा है यहाँ पर, ठीक है, पेड़ पौधे रो में क्या कर रहा है, पेड़ पौधे भी लगा रहा है और साथ साथ क्या कर रहा है एग्रीकल्चर भी कर रहा है, तो इसको बोला जाएगा एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री इसको कहा जाएगा। इट इज़ ऑल अबाउट द रूरल फॉरेस्ट्री। रूरल फॉरेस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, ठीक है, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री जो कम्युनिटी एरिया में फॉरेस्ट्री की जाएगी रूरल एरिया में, और एग्रो फॉरेस्ट्री जो इंडिविजुअल जो फार्मर है वो अपने खेतों में क्या करेगा पेड़ पौधे लगाएगा, तो उसको क्या बोला जाएगा एग्रो फॉरेस्ट्री बोला जाएगा। इसमें गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी देती है, गवर्नमेंट पेड़ पौधे डिस्ट्रीब्यूट करती है, या कुछ सोसाइटी जो एनजीओज हैं वो इसमें क्या करते हैं पेड़ पौधों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनकी हेल्प से फिर ये फॉरेस्ट्री किसान क्या करता है फॉरेस्ट्री करता है या पेड़ पौधे साथ में लगाते हैं, एंड देन इट इज कॉल्ड द एग्रो फॉरेस्ट्री। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द अर्बन फॉरेस्ट्री। अर्बन एरिया में जो फॉरेस्ट्री की जाती है, फॉरेस्ट एरिया लगाए जाते हैं, जैसे कि पार्क हुआ, ठीक है, जो रोड्स होते हैं उनके किनारे जो फॉरेस्ट लगाए जाते हैं, इसके अलावा जो पार्क एरिया डेवलप किए जाते हैं या जो फॉरेस्ट्री की जाती है शहर के बाहर वाले एरिया में, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा अर्बन फॉरेस्ट्री किया कहा जाता है उसको, ठीक है जी। इसमें क्या अर्बन फॉरेस्ट्री में क्या होता है, रोड्स के किनारे, ठीक है, ट्री बेल्ट लगा दी जाती हैं, ठीक है, या पार्क लैंड डेवलप किया जाए तो उसको बोला जाएगा अर्बन फॉरेस्ट्री, ठीक है। जैसे कि स्मृति वन हो गया, स्मृति वन होता है, और बहुत सारे शहरों में क्या बहुत सारे वन क्षेत्र भी डेवलप किए जाते हैं शहर के अंदर, फिर वहाँ पे आप लोग घूमने जा सकते हो, वहाँ पे टिकट भी लगता है, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा अर्बन फॉरेस्ट्री कहा जाएगा। नेक्स्ट आता है फार्म फॉरेस्ट्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फार्म फॉरेस्ट्री। फार्म फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है, कोई भी एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, कोई एग्रीकल्चर लैंड है तो वहाँ पे कोई फार्मर अगर एग्रीकल्चर कर रहा है तो गवर्नमेंट क्या करती है उसको कुछ सब्सिडी देती है, और वो किसान सब्सिडी देती है या ट्रीज उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, और वो किसान क्या करता है अपनी लैंड में एग्रीकल्चर ना करके और पूरी की पूरी लैंड में परमिशन के द्वारा, परमिशन लेनी पड़ती है इसमें, पूरी की पूरी लैंड में क्या करता है पेड़ पौधे लगाता है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है फार्म फॉरेस्ट्री, मतलब फार्म वाली जो पूरी की पूरी लैंड है उस पर वो क्या करेगा फॉरेस्ट लगाएगा, तो इसको बोला जाएगा फार्म फॉरेस्ट्री, ठीक है। तो इट इज़ ऑल अबाउट द सोशल फॉरेस्ट्री इन इंडिया। नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर में 1976 में इसमें को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, रूरल फॉरेस्ट्री, अर्बन फॉरेस्ट्री एंड द फार्म फॉरेस्ट्री। रूरल फॉरेस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री जो कम्युनिटी वाले, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री का मतलब कम्युनिटी जो एरिया है गाँव के वहाँ पर जो फॉरेस्ट्री होगी उसको बोला जाएगा कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होगी, किसान अपने खेतों के साथ साथ एग्रीकल्चर एक्टिविटी के साथ साथ जो फॉरेस्ट भी उगाएगा तो उसको बोलेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री। नाउ नेक्स्ट इज द अर्बन फॉरेस्ट्री। अर्बन एरिया में रोड के किनारे किनारे ट्री बेल्ट लगाना या पार्क लैंड डेवलप करना, स्मृति वन जैसा या कोई वन क्षेत्र जो डेवलप किया था, फॉरेस्ट एरिया डेवलप किया था, उसको बोलते हैं अर्बन फॉरेस्ट्री। फार्म फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर फार्मर है अपनी लैंड में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ना उगा कर वहाँ पे क्या उगाता है प्लांट ना उगा कर क्या उगाएगा ट्री उगाएगा या उसको फॉरेस्ट लैंड के तौर पर डेवलप करेगा तो उसको बोला जाता है फार्म फॉरेस्ट्री, ठीक है। तो इट इज़ ऑल अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है। इसके अलावा नाउ इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द वाइल्ड लाइफ एंड द बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो अभी हमने इसमें फॉरेस्ट एरिया के बारे में पढ़ा, फॉरेस्ट एरिया कितना में है इंडिया में, तो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में, इसके अलावा सोशल फॉरेस्ट्री और कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एग्जाम फ्यूल। Thank you.